हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टुडे वी आर सॉल्विंग केस स्टडी डे 28, रेगुलर एक्सप्रेशन पैटर्न्स एंड इंट्रो टू डेटाबेस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपन करना होगा ब्राउज़र, और उसके बाद है करें कि वेबसाइट, और वेबसाइट के बाद 30 डेज ऑफ कोड का बॉक्स, और आज जो बारी है डे नंबर 28, रेगेक्स पैटर्न एंड इंट्रो टू डेटाबेस। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, और ऑब्जेक्टिव में देखते हैं क्या गिवन है। टुडे वी आर वर्किंग विद रेगुलर एक्सप्रेशन, यानी कि रेगेक्स की जो फुल फॉर्म होती है वो रेगुलर एक्सप्रेशन होती है। और अगर आपको इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो आप ट्यूटोरियल टैब पर जाकर के आप इसके बारे में कुछ सीख सकते हैं, या फिर गूगल करके भी सीख सकते हैं कि रेगुलर एक्सप्रेशन होते क्या है। जो रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं वो किसी सब स्ट्रिंग को सॉर्ट करने के लिए होते हैं किसी एक स्ट्रिंग के अंदर। तो टास्क में बताया है कि कंसीडर ए डेटाबेस टेबल ईमेल विच हैज एट्रीब्यूट फर्स्ट नेम एंड ईमेल आईडी, गिवन एन रोज ऑफ डेटा सिमुलेटिंग द ईमेल्स टेबल एंड प्रिंट द अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ द पीपल वोज ईमेल एड्रेस एंड इन @gmail.com। यानी कि आपको जो वर्क करना है वो सिर्फ उस ईमेल आईडी पे करना है जिसका जो एंड होगा वो @gmail.com से होगा, और जो बाकी की ईमेल आईडीज होगी उनको इग्नोर कर देना है। तो इनपुट फॉर्म बताया कि सबसे पहले आप एक इंटीजर लोगे एन, और उसी हिसाब से फिर आप नंबर ऑफ इनपुट्स को इनपुट कर देंगे। तो जैसा कि कंस्टेंट बता है कि जो नंबर होगे नंबर ऑफ इनपुट्स वो 2 या 2 से ग्रेटर देन, और 30 या 30 से लेस देन। और सेकंड पॉइंट बताया कि जो फर्स्ट नेम्स हो गए पर्सन का वो लोअर लेटर्स में होगा, यानी कि ए से जेड तक, वो भी स्मॉल लेटर्स। और जो ईमेल आईडीज होगी वो भी लोअर केस में होगी ए से जेड तक, इसके साथ एक @ और एक डॉट आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। और जो लेंथ ऑफ फर्स्ट नेम होगी वो 20 से ज़्यादा नहीं होगी, और जो लेंथ ऑफ ईमेल आईडी होगी वो 50 से ज़्यादा नहीं होगी। तो अब चलते हैं सैम्पल इनपुट पर। जैसे यहाँ पर इसने इनपुट किया है 6, ये नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 6, तो इसके बाद कुछ इनपुट करनी होगी 6 इनपुट्स को। तो सबसे पहले इनपुट करेगा फर्स्ट नेम, उसके बाद मेल आईडी, फिर फर्स्ट नेम उसकी ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम ईमेल आईडी, और हमें जो वर्क करना है वो सिर्फ @gmail.com पर करना है। तो जैसे यहाँ पर @julia.me है इसको इग्नोर कर देना है, और जितनी ईमेल आईडीज @gmail.com से एंड होती है उनको उठाना है, और उनके जो नेम्स हो गए उनको नेम्स के हिसाब से सॉर्ट कर देना है, जैसे रिया, जूलिया, समानता और तानिया एक्सेट्रा। तो जैसे इसका आउटपुट आता है वो कुछ इस प्रकार से आता है कि जूलिया, जूलिया, रिया, समानता और तानिया। तो जूलिया स्टार्टिंग में कैसे है, क्योंकि जो फर्स्ट नेम्स की जो स्टार्टिंग होती है वो जे सबसे पहले आता है, उसके बाद फिर आर आता है, फिर एस टी। तो यहाँ पर जूलिया 2 बार है, बट यहाँ क्वेश्चन में तो 3 बार दिया हुआ है। वो 2 बार इसलिए क्योंकि जो @julia.me था उसको इग्नोर कर दिया गया, और जो @gmail.com थी वो 2 बार जूलिया है, तो यहाँ पर इसलिए 2 बार आया है। और सॉर्टिंग होने के बाद कुछ इस टाइप से जो आउटपुट आएगा वो ऐसे आएगा सॉर्टिंग होने के बाद। तो अभी चलते हैं अपने है करेंगे कोड एडिटर पर, और यहाँ पर आने के बाद चूज़ करना की लैंग्वेज सी। तो यहाँ पर काफ़ी सारा कोड जो है पहले से गिवन है, इसको हटा देना है। तो इसको सेलेक्ट करते हैं और बैक स्पेस। तो अपने कोड की स्टार्टिंग करते हैं, इंट मेन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक इंटीजर क्रिएट करते हैं एन के नाम से, तो इंट एन, क्योंकि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस का इनपुट लेगा। और उसके बाद एक इंडेक्स नाम से वेरिएबल क्रिएट करते हैं जिसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी 0, यानी जितनी भी इंडेक्सिंग होगी वो 0 से स्टार्ट होगी। उसके बाद नंबर ऑफ टेस्ट केसेस का इनपुट लेते हैं स्कैनफ की हेल्प से, स्कैनफ परसेंटाइल डी क्योंकि इंटीजर है, और m% n नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। उसके बाद यहाँ पर एक कैरेक्टर एरे क्रिएट करते हैं, कैरेक्टर जिसका जो नाम होगा वो हम नेम ही रखते हैं नेम, और ये एक 2D एरे है, तो इसका जो साइज़ होगा i का होगा 30, और जो j का हम साइज़ देते हैं वो 20 करते हैं, यानी 30x20 का एक कैरेक्टर एरे। और उसके बाद यहाँ पर एक फॉर लूप चलाते हैं, तो फोर इंट i इक्वल्स टू 0, i is less than n और i प्लस प्लस। ये जो फॉर लूप होगा वो जो सारे नंबर ऑफ इनपुट्स है उनका इनपुट लेगा,
और चेक करेगा कि कोई स्ट्रिंग एम्प्टी तो नहीं है या फिर कोई नेम और कोई ईमेल आईडी एम्प्टी तो नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो कैरेक्टर एरे बनाते हैं जो कि इनपुट करेंगे फर्स्ट नेम और ईमेल आईडी। तो कैरेक्टर फर्स्ट नेम और जिसका हम साइज़ देते हैं 20। तो ये जो 20 साइज़ है, क्वेश्चन में गिवन था कि जो फर्स्ट नेम का इनपुट होगा 20 से ज़्यादा नहीं होगा यहाँ पर, और जो ईमेल आईडी की लेंथ होगी वो 50 से ज़्यादा नहीं होगी। तो यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर एरे बनाते हैं जिसका नाम होगा ईमेल आईडी, ईमेल आईडी और जिसकी जो लेंथ होगी वो 50 जैसे क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद यहाँ पर हम कैरेक्टर एरे और बनाते हैं जिसका नाम होगा आईडी और जिसको हम साइज़ देंगे 11। 11 इसलिए दिया है क्योंकि जो @gmail.com का साइज़ होता है वो 10 होता है और एक नल कैरेक्टर उसके साथ में, क्योंकि हमें यहाँ पर यह भी चेक करना है कि हमारे जो ईमेल आईडी की एंडिंग होगी वो @gmail.com से होनी चाहिए। तो उसके लिए जो कैरेक्टर एरे था ये क्रिएट किया है और इसके अंदर वैल्यू हम इनपुट करते हैं @gmail.com। उसके बाद यहाँ पर बारी आती है इनपुट लेने की फर्स्ट नेम का, तो टाइप करते हैं scanf और परसेंटाइल s क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, और साथ साथ हम इनपुट लेंगे उसकी ईमेल आईडी का, तो वो भी एक स्ट्रिंग है। तो परसेंटाइल s एम्परसेंट फर्स्ट नेम और एम्परसेंट ईमेल आईडी। अब यहाँ पर एक कंडीशन लगाते हैं जो कि चेक करे कि हमारी जो ईमेल आईडी है वो नल तो नहीं है, यानी कि एम्प्टी तो नहीं है। तो उसके लिए कंडीशन लगाते हैं इफ str str। तो str str एक फंक्शन होता है सी में प्रीडिफाइन होता है, ये दो आर्गुमेंट्स का इनपुट लेता है और चेक करता है उनकी ऑक्यूरेंस को। तो हम यहाँ पर दो जो इनपुट देंगे इसके अंदर वो एक ईमेल आईडी होगा और एक आईडी होगा जो हमने ऊपर क्रिएट किया है, और चेक करेंगे कि उसमें से कोई नल तो नहीं है। अगर नल होता है तो जो उसका नाम होगा नाम को उठा करके @gmail.com की जगह पर वो पेश कर देगा। तो चेक करते हैं ईमेल आईडी और आईडी, यानी कि दोनों चीज़ें उसमें है नहीं है। इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, इज़ नॉट इक्वल्स टू नल, और इस कंडीशन के अंदर अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर एक फंक्शन और टाइप करते हैं strcpy जो कि स्ट्रिंग को कॉपी करता है। तो हम यहाँ पर कॉपी करेंगे नेम जो हमारा ऊपर कैरेक्टर एरे बनाया था हमने 2D एरे, और नेम साथ साथ उसकी इंडेक्स वैल्यू इंडेक्स, और सेकंड वाले में हम कॉपी कर देंगे फर्स्ट नेम नेम। तो ये जो स्ट्रिंग कॉपी करेगा वो इस 2D एरे के अंदर करेगा, फर्स्ट वाले में उसका नेम इंडेक्स वैल्यू के साथ, और लास्ट वाले में उसका जो फर्स्ट नेम होगा वो कॉपी कर देगा इस कैरेक्टर 2D एरे के अंदर। और अभी आगे चलते हैं, और साथ साथ जो इंडेक्स होगा उसको प्लस प्लस कर देगा, यानी कि इंडेक्स प्लस प्लस, यानी फिर ये अगली इंडेक्स वैल्यू पर जाएगा फिर उसको चेक करेगा। तो यहाँ पर एक एरर सामने है जो कि जैसे हमने स्कैनफ में इनपुट करते हैं किसी एरे का, तो हम यहाँ पर एम्परसेंट को टाइप नहीं करते हैं, तो जो एम्परसेंट है उसको हटा देना है। वो इसलिए क्योंकि जो एरे होता है उसके पास पहले से एड्रेस होता है और हम यहाँ पर हमें एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद अभी हमने यहाँ पर चेक किया कि जो आईडी है @gmail.com वो ईमेल आईडी के अंदर है नहीं है, और अगर नहीं है तो हम वहाँ पर उसको जो नाम होगा @nam और .com कुछ इस टाइप से इनपुट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर बारी आती है एक फॉर लूप की जो कि कंपेयर करेगा सारे नेम्स को कि जो नाम्स है सबके वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर एक फॉर लूप चलाते हैं फॉर इंड आई इक्वल्स टू 0, आई इज़ लेस देन इंडेक्स और आई प्लस प्लस। इस फॉर लूप के अंदर एक फॉर लूप और चलाते हैं फॉर इंट जे इक्वल्स टू 1, जे इक्वल्स टू आई प्लस 1, जे इज लेस देन इंडेक्स और जे प्लस प्लस, क्योंकि ये हमारे एक 2D एरे बन चुका था। तो 2D एरे के लिए हमें यहाँ पर दो फॉर लूप चलाने पड़े,
और अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि हमारा जो नाम है वो सारे सॉर्टिंग है नहीं है, तो उसके लिए कंडीशन लगाते हैं इफ़। और यहाँ पर कंपेयर करने के लिए फंक्शन पहले से क्रिएट होता है सी के अंदर, इसका नाम है strcmp जो कि दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है। तो हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे नेम आई और नेम जे। अगर ये दोनों कंपेयर करने के बाद ग्रेटर देन ज़ीरो आते हैं यानी कि वन, तो यानी कि ट्रू है, और ट्रू है तो इसके लिए हम जो कंडीशंस होगी वो यहाँ पर टाइप करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक टेम्परेरी करेक्टर वेरिएबल यहाँ पर टाइप करते हैं, तो करेक्टर टेम्प उसका साइज़ देते हैं हम 20। और टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट करने के बाद अब बारी आती है हमें नेम्स को स्वैप करने की, कि जो नाम्स और जो सॉर्टिंग हो चुका है अल्फ़ाबेटिकली उसको पहले लेते आए और जो सॉर्ट नहीं हुआ उसको बाद में करते गए। तो यहाँ पर एक फंक्शन सी के अंदर पहले से डिफाइन है, इसका नाम है strcpy यानी कि स्ट्रिंग कॉपी। ये जो होता है वो स्ट्रिंग 2 को उठा करके स्ट्रिंग 1 में कॉपी कर देता है। तो हमें यहाँ पर कॉपी करना है टेम्प के अंदर और जो फर्स्ट वाला नेम होगा उसको, तो नेम आई जो हमारा नाम था वो टेम्प के अंदर स्टोर हो चुका है, लेकिन जो नाम आई था यानी जो नेम आई था वो अभी एम्प्टी है, तो उसके अंदर भी हम जो नेम 2 था उसको कॉपी कर देंगे। तो strcpy नेम आई नेम जे यानी जो सेकंड नेम था वो अब कॉपी हो चुका है नेम फर्स्ट वाले में, उसके बाद जो सेकंड वाला नेम था वो अब एम्प्टी हो चुका है, उसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे जो हमने टेम्प के अंदर वैल्यू इनपुट की थी उसको। तो strcpy नेम जे और टेम्प। यहाँ पर हुआ क्या, हमने यहाँ पर दो नाम को चेक किया, कंपेयर किया कि वो दोनों सॉर्टिंग है नहीं है। अगर वो नहीं होते हैं तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट किया जिसका साइज है 20, इसका नाम होगा टेम्प के नाम से जो कि टेम्परेरी वैल्यू को स्टोर करता है। उसके बाद हमने जो टेम्परेरी वैल्यू थी उसके अंदर स्टोर कर दिया जो नाम सॉर्ट नहीं है उसको, और जो सॉर्ट होते गए उसको फर्स्ट में ले गए, और बाद में जो हमने टेम्प के अंदर वैल्यू थी वो सेकंड के प्लेस पर रख दी। तो हमारे जो दोनों नेम्स थे वो सॉर्ट हो चुके हैं। अब जो बारी आती है वो इन नेम्स को प्रिंट करने की, तो अभी फॉर लूप से बाहर चलते हैं और यहाँ पर एक नया फॉर लूप क्रिएट करते हैं जो कि प्रिंट करेगा हमारे सारे नेम और उसके स्ट्रिंग को। तो फॉर लूप इंट आई इक्वल्स टू 0 और जो आई होगा वो लेस देन होगा इंडेक्स से, और आई प्लस प्लस ये हमारे सारे नेम्स को प्रिंट कर देगा क्योंकि आउटपुट में हमें सिर्फ नेम्स चाहिए, उनकी ईमेल आईडीज़ को बिल्कुल नहीं चाहिए। तो जैसे यहाँ पर जो ईमेल आईडीज़ थी वो नहीं प्रिंट हुई, सिर्फ नेम्स सॉर्ट होने के बाद प्रिंट हुए। तो हमने यहाँ पर जो सारे नेम्स थे उनको सॉर्ट कर लिया, अब उनको प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट एफ परसेंटाइल एस क्योंकि स्ट्रिंग है, और सारी स्ट्रिंग को नेक्स्ट लाइन में करने के लिए बैक स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन ऑपरेटर, और नेम आई और सबसे लास्ट में रिटर्न 0 यानी कि हमारा जो प्रोग्राम वो बिल्कुल सही से रन हो जाए उसके लिए। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन में क्या क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया जो नंबर ऑफ टेस्ट केसेस का इनपुट लेगा, उसके बाद सारे इनपुट्स लिए फर्स्ट नेम का और ईमेल आईडी का। उसके बाद यहाँ पर जो चेक किया कि हमारी जो ईमेल आईडी है उसके अंदर @gmail.com है नहीं है, अगर नहीं है तो उसका नाम रख दिया उसकी जगह पे। उसके बाद जो सारे नेम्स थे हमने उसको सॉर्ट किया, और सॉर्ट करने के बाद उसको जो है प्रिंट कर दिया। तो अब इसको चेक करते हैं, तो क्लिक करते हैं रन कोड पर। कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका जो कोड है वो बिल्कुल सही है। अब बारी आता है इसको सबमिट करने की, तो यहाँ पर मैसेज आता है सक्सेस का यानी कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब चलते हैं अपने 30 डेज ऑफ कोड पर, और यहाँ पर आने के बाद हम देखते हैं कि आने वाली वीडियो हम सोल्व करेंगे डे 29 बिटवाइज एंड, जो कि हमारा इस चैलेंज का सबसे लास्ट टॉपिक है, इसको हम सोल्व करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप कर सकते हो, और अगर आप किसी प्रीवियस वीडियो का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के आप देख सकते हो। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।